बड़ौदा बाजार जिले में पलारी विकास खंड के ग्राम पंचायत खैरी में मंगलवार को अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन और ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। परिजनों की मांग है कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही उन्होंने अवैध तरीके से रेत खनन को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन यहां से अवैध रूप से गाड़ियों में रेत भरकर ले जाया जाता है। अवैध रेत खनन बंद नहीं होगा तब तक शव को नहीं उठाने की बात कही। पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर मामले में परिजन और ग्रामीणों को समझाने में प्रयासरत रहे। मैं उसका चाचा हूँ। गाड़ी रेस में आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद चक्के में आ गया। ये सुबह वही 7:30 बजे के आसपास का बात। हम लोग कमाएंगे, जितना भी कार्रवाई हुआ है सब चीज का सही साठ सजा मिलना चाहिए। और रेती खदान बंद होना चाहिए, रोड में रेती चलना बंद होना चाहिए, और जो भी हो तो यह हवाई ड्राइवर ट्रैक्टर सब लोग फुल सजा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा रेस में चलाते गाड़ी, वन विभाग मुड़ियाडी वाला और काबल थोला गाड़ी गाड़ी ड्राइवर के सीधा जो गाड़ी पकड़ते रहती गाड़ी माइनिंग वाला सब लोग पकड़।